राम राम सभी बच्चों को ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज बच्चों एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस थर्ड पार्ट में देखेंगे थोड़ा सा डेटा, मतलब थोड़ा सा बस लास्ट जो दो क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा अलग है, बस ध्यान से देखेंगे जरा इसको। इसमें हम क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू u लेट कर लेंगे और y इज इक्वल टू v लेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, लेट 1/x इज इक्वल टू u लेट कर लेंगे और y इज इक्वल टू v लेट कर लेंगे। तो बच्चों देखो जरा, हम कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को, 4 × 1/x + 3y, ठीक है, y की वैल्यू तो v है इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहां पर देखो 1/x की वैल्यू क्या है, u, तो 4u + 3v इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 1 आ गई हमारी। ठीक है, सेम एज 3 1/x की वैल्यू u - 4v इसका सूत्र 23, ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों, सारे जो हमारे कोफिशिएंट है वो अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसके कोफिशिएंट की और इसकी कोफिशिएंट की इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई 4 ऑन इक्वेशन 2 एंड 3 ऑन इक्वेशन 1। बेटा अपोजिट करते हैं, देखो अगर मुझे u इक्वेट करना है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, 3 ऑन इक्वेशन 1। ठीक है, 4u + 3v 14 × 3 तो कितना आएगा, 10 × 14 = 42, यहां चाहते हैं 12 और 3 = 4, ये हो गई इक्वेशन आपकी थर्ड। ठीक है बेटा, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3u - 4v = 23 × 4। देखो बच्चों, यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12u - 16v = 23 × 4, 4 × 3 = 12 से लगाइए, 4 × 3 = 92, ठीक है 92 इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 4 हमारे पास आ चुकी है। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या करेंगे, हमारी जो u के कोफिशिएंट है वो क्या हो गए हैं, बराबर, हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जरा लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 12u + 9v = 42, ठीक है, और ये आ जाएगा 12u - 16v = 92। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बच्चा दोनों के जो साइन है, साइन हो गया सेम, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन क्या करेंगे, अपोजिट, इस साइन को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस 16 + 9 कितना होता है बच्चों, 16 + 9 कितना आ गया आपका 25, तो ये जाएगा 25v = ये 92 - 42, ये आएगा आपका 50, कितना आएगा बच्चों 50, कितना आएगा बच्चों 50, तो ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा था। ठीक है, 50 / 25 कितनी आ गई वैल्यू, 2 आ गई वैल्यू। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर देखिए ये -92 बड़ा है, तो हमारा साइन कितना आएगा, -1, किसका आएगा साइन, -1। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई बच्चों। ठीक, आप सब अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं, 4u + 3v - 14, ठीक है, 4u 3v 14, तो 4u ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 14, तो 4u देखिए 14 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, है ना, 14 + 6, तो 4u 20, है ना, तो u इसका कितना आ जाएगा, 20/4 कितना आ गया बेटा, 5। यहां तक कोई डाउट बच्चों, अब बट एक चीज आप ध्यान रखिए बच्चों, देखिए मैंने क्या करा था, मैंने 1/x को क्या लेट किया था, u लेट किया था बच्चों, तो 1/x u की वैल्यू हमारी कितनी आई है बच्चों, 5, तो देखो ये 5 यहां जाएगा, x वहां जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5, और हमने v को क्या लेट किया था, y, और y की जो v की जो वैल्यू कितनी है बेटा, -2, तो हमारे पास ये दो वैल्यू जो है वो आ चुकी है, x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू -2। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, सभी को राम राम मेरा।